Welcome to the Philo Tutor app. There is how can you register and become a successful Philo Tutor within these easy steps. Step 1. Sign up with your mobile number and enter your basic academic details for verification. Step 2. Try your first tutor video call. Don't worry, just about comfortable. Okay, let's proceed. Step 3. Upload your profile picture and picture of your ID proof. And the step 4. Select the topic that you want to teach. Step 5. Record the video introduction with the demo how you are going. And the last step, finally submit your application for verification. The verification process place within 48 hours. When it verify, you will receive a notification on the app. And then you can start receiving sessioning from the student when you are online. Link in description box, check it out. हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी का रिजल्ट जो है 23 तारीख को आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों क्या करना है, जिनको कॉलेज मिलेगा या फिर कॉलेज नहीं मिलेगा उन सभी दोस्तों को क्या करना है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो भी डाउट्स हैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों को थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर जिनको कॉलेज मिलेगा उनको कॉलेज पसंद नहीं है, तो वो क्या करें। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि जिनको कॉलेज मिलेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स आर फ्रीज लिखा हुआ है, यानी कि सभी कैंडिडेट जो है फ्रीज हो जाएंगे 23 तारीख को। ठीक है, यहाँ पर जब भी रिजल्ट आएगा वो सभी रिजल्ट में जो भी कॉलेज मिलेगा वो फ्रीज माना जाएगा। ठीक है, जिनको कॉलेज मिलेगा वो सारा जो भी कॉलेज मिलेगा वो सब कुछ फ्रीज माना जाएगा, सभी कॉलेज एकदम लॉक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ही जिनको कॉलेज नहीं मिला है शुरुआत से, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या है, तो दोस्तों वो सभी लोग जो है फोर्थ राउंड काउंसलिंग में आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोर्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट, यानी कि बाहरी स्टेट से बिहार आसाम जो भी है वो सभी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उनको यहाँ पर जो फीस है वो 250 रुपये पेमेंट करनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कि जिनको अभी तक एडमिटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप टू थर्ड राउंड कैंडिडेट्स यूपी स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट के थर्ड राउंड कैंडिडेट्स जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो सभी लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 27 तारीख को फिर से यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पर आप सभी को 27 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ कि फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, यानी कि फर्स्ट राउंड में जैसा हुआ था सेम वैसा ही यहाँ पर आपको कंडीशन दोहराया जाएगा। फोर्थ राउंड में आप सभी लोग फिर से काउंसलिंग कर पाओगे। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। दोस्तों जैसे आप सभी का रैंक 1 लाख 2 लाख है या फिर आप जनरल से हो, आपकी रैंक 1 लाख 2 लाख है, तो भाई उन सभी टॉप कॉलेज को ना चुनो। ठीक है, मेरी मानो तो यार एडेड कॉलेज चुनो। ठीक है, एडेड कॉलेज में ट्रेड अच्छी होती है, एडेड कॉलेज भी बहुत ही बढ़िया होता है, और 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप सभी को एडेड कॉलेज मिल जाएगा जिनका 1 लाख या फिर 1.5 लाख या फिर 2 लाख रैंक है। और ट्रेड मिलेगा आप सभी को बता दूँ तो MOM है, IC है, IT है, ये सारी ट्रेड आप सभी को अलाउड हो सकती हैं। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करने के इंटरेस्टेड हो तो भाई फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करो, 10 कॉलेज को चूज़ करो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो कि यार नहीं मुझे ये घटिया ट्रेड्स नहीं लेनी है, तो आप जो है और अच्छी मतलब तैयारी कर सकते हो नेक्स्ट टाइम, यानी कि फिर से 2022 में तैयारी करो, उसके बाद अच्छे नंबर लाओ, तो फिर आपको सिविल वगैरह यहाँ पर फिर से काउंसलिंग करवाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिनको करना ही है पॉलिटेक्निक तो भाई वो फोर्थ राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं, नहीं तो अपना पैसा वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं थर्ड राउंड में 26 तारीख के पहले पहले। आप सभी का जो 3000 रुपए है वो विड्रॉ हो जाएगा, उसका लिंक जब भी आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कैसे क्या करना है, सारी प्रोसेस भी बता दूंगा, आप लोग अपना पैसा विड्रॉ कर लेना, फोर्थ राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करना। और दोस्तों यहां पर बता देता हूं कि आपको 10 कॉलेज चूज करने को मिलेंगे, जो भी कैंडिडेट आगे बढ़ना चाहते हैं वो अब यहां पर ध्यान से सुनो कि भाई वो कॉलेज चुनो जो आपको लगे कि हां मुझे यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। मैंने यहां पर रैंक भी बताई है कि थर्ड राउंड के लिए कितना रैंक होना चाहिए। एडेड कॉलेज देखो, एडेड कॉलेज में ज़्यादातर आप सभी को एडमिशन मिल जाएगा, जितना 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रैंक है उनको ज़्यादातर यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक ही कॉलेज के 10 यानी कि सारी ट्रेड मत फिल कर देना,
हो सके तो अदर अदर कॉलेज की 10 यहाँ पर चॉइस लॉक मिलेंगे भाई। जितने भी अदर अदर कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पर 75 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, ये सब कुछ पता करके आप सभी लोग यहाँ पर बहुत ही सतर्कता के साथ एक लिस्ट प्रिपेयर करना, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज को फिल करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी के अनुसार आपको फिफ्थ राउंड में, जैसे कि फर्स्ट राउंड में एक बार आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिला था, उसी के बाद सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिला, तो आपको फिफ्थ राउंड में भी चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखना है, देन आपको काउंसलिंग करवाना है। तो आई होप आप सभी कुछ समझ गए होंगे कि आपको फोर्थ जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कुछ भी नहीं समझे तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, जो भी आप सभी के साथ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं नीचे कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जेंटी कर, थैंक यू, बाय।